सुन्न से सिखर विथ अनुपमा के इस चैनल में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरी दुनिया जानती है, पद्मश्री फुलबासन भाई यादव जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आज सुन्न से सिखर विथ अनुपमा के इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहन। दीदी, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके बचपन की कहानी। आज हम सबको बताना चाहते हैं कि फुलबासन भाई यादव जी का बचपन कैसा रहा। सबसे पहले तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जो सुन्य से सिखर अनुपमा चैनल ला जो यहाँ आई न और हमार बात ला सुने बर और कतरो जन बहनी मतलब दिखाए बर ये अपन चैनल ला दिखाते कर बर। तो आप सब ला पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। कथे ना मन में दीने इच्छा शक्ति और लगन, मन में हो तो बहुत कुछ हो सकते हैं। और एक साथ में एक ऐसी चीज़ है जो समाज में जो एक श्राप की तरह है, अब वो है गरीबी। अब गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो हर कुछ हर कोई बुला ली पूछ ली, लेकिन जो इंसान गरीब है तो लग कोई भी बैठालना भी पसंद नहीं करे, बुलाना भी पसंद नहीं करे। खबर कि वो भूखे खाना देना पड़ी या सब रोटी सब्जी देना पड़ी। तो ये बचपन से ही देखते आ रहे हूँ और बचपन में भी ऐसे ही स्थिति थी। से राजनांदगांव से 45 किलोमीटर छुरिया नगर पंचायत बन चुके अभी छोटे से गाँव रही से, वो भी दूर नक्सल प्रभावित गांव है जंगल। वहाँ बस हमर काम रहा एक छोटे से होटल इस माँ बाप के घर, और वो होटल में कब्बसी धोना और कब्बसी धोना, एक घूमना या लकड़ी बिनना, जंगल जाना, ये हमर काम रहा है। तो हम एक बहुत बड़े परिवार भी रहें, छोटे से होटल में हमर मन के पालन पोषण माँ बाप नहीं कर सके। 5 बहन 2 भाई और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहना पड़े जी। एक दिन भूखे लगे तो दूसरा दिन बोलन कि हमला खाना चाहिए, माँ बाप के आँख में आंसू देखें। सिर्फ मोर उम्र रही से 7 साल के, और 7 साल की उम्र से मैं बचपन से एक सोच मोर यही रहा है, सोचो कि ये चीज होते काबर, ये का करना चाहिए, एक बार का करना चाहिए, बचपन से एक मोर सोच रहा है। सोचो भी बहुत सोचो, तो बाकी भाई बहन मन तो रोत रहा है, 2-2 3-3 दिन तक ले भूखे रहा है। और जब जब खाना मंगन तो ही कह ले बेटा सो जा, सुबह देंगे, सुबह कहन तो रात में देंगे। ऐसे करते हुए 2-3 दिन हमारे समय बीतते जाए। अब मोर से भी छोटे छोटे 3-3 4-4 जन भाई बहन रहे। तो मैं वहाँ होटल में कब्बसी धोत धोत वहाँ स्कूल के जो गुरु जी मन है पढ़ाने वाला प्राचार्य मन, वो मन आए और जेब में पैसा देखो पेन देखो, वो में मोर एक लालसा जाग गए कि शायद जो इंसान पढ़ते लिखते वो बहुत पैसा कमाते। खबर क्योंकि जेब में पढ़ाई पढ़े है पढ़ाते तभी वो नौकरी कर रहे थे तो 2 वक्त के रोटी खाते, इतना सारा पैसा भी पकड़े। शायद मैं भी पढ़ते हूँ तो मोला भी 2 पैसा मिली, मैं भी कमाऊँ और मैं अपन भाई बहनी मतलब पालूँ। ये 7 साल की उम्र से एक सोच बन गए। कई बार ऐसे हुई कि मैं दौड़ते हुए स्कूल जाऊँ, अब स्थिति ये रहा कि मोर पास में तन में भी कपड़ा नहीं रहा है, एक साड़ी या 2 टुकड़ा करके माँ बाप पहना दे रहा है, और बस होटल में कब्बसी धोतना लकड़ी बिनना ही मोर समय चले। बार बार स्कूल में जाओ, स्कूल में ही कहा है कि जा तो और माँ बाप ले बुला के लाबे, बट्टी ले लगी, बस्तर ले लगी, सबसे पहले तो कपड़ा ले लगी। तो फिर मैं दौड़ते हुए फिर अपन माँ बाप कन जाऊँ। कई बार ऐसे हो रोते हुए जाना, लेकिन ध्यान नहीं दे माँ बाबू जी मन मोर। और फिर मैं क्या करूँ कि छोटे छोटे पन्ना है पेपर है वो उठा लूँ, और उठाए के बाद एक छोटे से ऐसे सुई में सील के और ऐसी पुस्तक बना लूँ। होटल के पीछे में ही मैं पढ़त रहा हूँ, होटल के हमारे पीछे में ही स्कूल लगे रहा है, वहाँ 8वीं कक्षा तक स्कूल रहा है। वहाँ बच्चे मतलब ड्रेस में देखना, जूता चप्पल मस्त पहने रहना, बस्ता लगा के देखना, मस्ती करना, राष्ट्रीय गीत गाना, पहाड़ा चिल्ला चिल्ला पढ़ना, ये मोर मन अंदर से ना एकदम व्याकुल होए, तकलीफ लगे कि शायद मोला भी कोई पढ़ा लेती। लेकिन मजबूरी ये रही कि हमारे पास गरीबी रही से। एक बार इसी जुलाई अगस्त के महीना रहा है, वहाँ पानी इतना गिरत रहा है, तो जुलाई में ही जब स्कूल खुलत रहा है तो वहाँ बच्चे मन कीचड़ में, पूरे स्कूल के बच्चे मन कीचड़ में खेलत रहा है। तो वो समय मोर मन इतना ज़्यादा तकलीफ हुई, उससे मैं दौड़ते हुए अपन माँ बाप के पास गयो। अपन बाबू जी ला चिल्ला चिल्ला के रो रो बोलते हैं कि बाबू जी मोर पढ़ना है स्कूल जाना है। और बाबू जी ही कहते कि बेटा हमन गरीब हन। शायद वो दिन मोला ही एहसास हो इसके जिंदगी में ओला गरीब कहते, जेकर घर में 2 वक्त तक रोटी नहीं है खाएबर नहीं है तो हमरे ऐसा लग गरीब कर थे। फिर चिल्ला के बोलीस कि हमला पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ के का करवे, ते सीधा कब्बा सीध हो या लकड़ी बिन के ला।
फिर रोत रोत अपन माँ माँ के पास गए, गला लग के नहीं मोर पढ़ना है, मोर स्कूल जाना है। और माँ बाबूजी मन ही कहते, बाबू माँ बोलते कहते बेटी है रस पढ़ के का करबे, चूल्हा फूकना है, ससुराल जाना है, और बेटी है तो दूसरा घर के धन हरे। अब ये दोनों एक शब्द एक क्रेन की तरह लगी। और 7 साल की उम्र में मैं ही दिमाग में सोच ले हूँ कि ज़िंदगी में जो एक बेटा काम करके नहीं देखा है वो काम कुछ करके देखा, ये मोर सोच रही से। और देखते ही देखते दूसरा ट्रैवल कंडक्टर 5वीं कक्षा तक पढ़ें, पढ़ाए के बाद फिर मुला शादी कर देगी, 10 साल में शादी हो गई और 13 साल में ससुराल आ गई। यहाँ भी यही स्थिति, न घर न द्वार, मट्टी के बर्तन में खाना है, मट्टी के बर्तन में खाना बनाना है, रेबर खाली प्लास्टिक के झोपड़ी रहा है, कई दिन चावल दाल यहाँ भी नहीं रहा है, ना पाँव में चप्पल नहीं रहा है, बहुत ही स्थिति खराब रहा है। तो ये मोर बचपना रही से। और यहाँ आए के बाद में मोर पति भी पढ़े लिखे नहीं हैं और हम पूरा गांव के नौकर काम करत रहे, चरवाहा काम करत रहे। दीदी जब 13 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, 10 साल या 13 साल मतलब जो भी आपने बताया, इतने कम उम्र में शादी का होना एक इतनी छोटी बच्ची के लिए, उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहली तो यहाँ आए के बाद एक बचपन छिन गए, खबर कि जो समय एक बचपना है, 10, 12, 13 साल की उम्र में यहाँ गयूँ और 10 साल में शादी हो गई थी, मोर बचपना ही छिन गए। जो चीज़ मोर इच्छा रही से कि कुछ करूँ, पढ़ाई लिखाई करना है, बहुत सारा चीज़ है सीखे कि बचपन, तो वो चीज़ मोर पूरा छिन गए। आज ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सके बचपन, हर कुछ मिल सकते, लेकिन तो 13 साल में आए के बाद एक इतना बड़े बोझ परिवार ला लेके, और वो ससुराल और मायके में बहुत अंतराल है। ससुराल में हर कोई ला इतना सारा परिवार यहाँ भी है ना, यहाँ एक ठो घर भी नहीं रही से, तो लकड़ी से खम्भा में हमन घर बनाएं, प्लास्टिक में, और बर्तन भी नहीं रहा खाए, 2 वक्त तक रोटी भी नहीं रहा, यहाँ भी 2-2, 3-3 दिन भूखे प्यासे रहना, और पति भी गाय बकरी चराए, तो उसके साथ में मैं भी गाय बकरी चराए लग गई हूँ। लगभग 20 साल तक तो पूरा गाय बकरी गाँव में चरा हूँ, गाँव के नौकर काम करें। और 20 साल के बीच में जो घटना घटी, शायद कभी मैं यही बोलता हूँ कि कभी भी वो माँ, कोई भी माँ वो चीज़ मत देखे, और वो है वहाँ बचपन के गरीबी, यहाँ के गरीबी बहुत ज़्यादा उरी से। यहाँ जब मैं आया तो मोर बच्चा 20 साल के बीच में मोर 4 बच्चा भी आ गए, मैं 15-16 साल में मैं माँ बने हूँ, और मोर छोटे बड़े वाले लड़की 7.5 साल के और सबसे छोटे लड़का 1.5 साल के, तो 2 बेटी और 2 बेटा मोर जन्म ली। तो जब ये स्थिति 20 साल के बीच में जो रही से, मैं वो इस जिंदगी जियो में हाँ, तो आज भी मुझे ये लगते कि कभी भी वो माँ ऐसे तकलीफ मत दे। मोर 1.5 साल के छोटे से बच्चा, 7.5 साल के बेटी और बीच की और बच्ची बेटी बेटा मन, जब मैं गाय बकरी चरा के आऊँ, 6 बजे जब आऊँ ना, तो 6 बजे मोर बच्चे मन खड़े नहीं हो सके भूख के कारण। 6 बजे जैसे सब घर के गाय बकरी मल अंदर करूँ और मैं आऊँ, उठाऊँ अपन बच्चा मतलब गोद में और दौड़ते हुए अपन बच्चा लेके ना गांव घूमो में कि कम से कम 1 गिलास चावल दे दे, गली में 10 बजे रात तक गली गली घूमो कि चावल तो दे दो, चावल के मार तो दे दो, कटोरा ले लेके घूमा, लेकिन कोई दया नहीं लगे। कथे ना सबके माँ बाप होते, गरीब के कोई माँ बाप नहीं। और ये स्थिति मोर साथ में गुजरे है, और यहाँ तक 2-4 महीने तक नमक और मिर्च भी खाने नहीं मिले हमला, ऐसे लगे जानो माना कि हम कभी देखें तो नहीं देखें, और कोई मिलतीस ना तो आज मैं ताज होटल में बैठ के खाना खात हूँ आज के जो स्थिति में, लेकिन जो नमक और मिर्च में जो स्वाद रहा है वो ताज होटल के खाना में भी स्वाद नहीं है, यानी कि कभी काल कोई नमक मिर्च भी मिल जाए तो एकदम सोने में सुहागा रहा है हमार मन भर, या झगड़ा हो अपन पति सन लड़के मन झगड़ा हो सिर्फ मिर्च और नमक के कारण। तो ये स्थिति पूरा गांव भर सब कोई जैसे गली में जान तो कोई हंसी उड़ा, देखो हमारे यहाँ हमारे गांव पगली आते, कोई कहा हमारे गांव भिखारी आते, तो कई प्रकार के एक माला सुनना पड़े। माँ ओ नाम हरे जो कई हड्डी के टूटन दर्द ले सही के अपन बच्चल जन्म देते, खुद भूखे प्यासे रहे थे, खुद तकलीफ में रहते, लेकिन माँ अपन बच्चल कभी भूखे न के, लेकिन मैं वो अभागिन माँ हूँ जो अपन बच्चल ये दुनिया में समाज में तड़पते हुए देखे हूँ। तो ये सब कुछ मोर साथ चलते रहा है, पाँव में चप्पल नहीं है, इतना बड़े बड़े फोड़ा आ रहा है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3-3 दिन तक बच्चे मतलब भूखे देखे हूँ। एक दिन ऐसे समय भी आ गए कि मोर बच्चा कोई पड़ोसी के घर में गिस,
वो बच्चे मतलब इतना मारे रिस ना, तो मोर ममता इतना ज़्यादा टूट गए कि मैं अपन आप में आत्महत्या कर लूँ। अब वो दिन मैं अपन चारों बच्चे मतलब ले हूँ और 2-3 किलोमीटर यहाँ से धनगांव है वहाँ में अपन बच्चा मल्ला ट्रेन में कटाए बजा जाते हूँ। मई के महीना है, 3 मई को ये बात है और जहाँ से मोर दिमाग अलग हटिस के मोर कुछ करना है। मोर बेटी मन जब गाड़ी का आवाज़ सुनीस तो चिल्ला चिल्ला कर रोल लगी कि माँ हमला नहीं मानना है, हमला ज़िंदगी जीना है, माँ नहीं मानना है, आज के बाद खाना नहीं मंगन। शायद वो दिन मोर लगी कि मैं कितना बड़े पाप करत रहे हूँ अपन बच्चा मन भर। और आज तो मैं इतना तड़फत हूँ लेकिन दुनिया में कितना सारा माँ हुई ओकर में आत्मा तड़फत हुई, ओमन भी इसने ज़िंदगी जियत हुई। आज के बाद मैं मरो नहीं, मैं अपन बच्चे मल्ला ज़िंदगी जियो हूँ और समाज में भी ऐसे परिवर्तन करूँ हर माँ ला अपन बच्चे मल्ला दो वक्त के रोटी खिला सके, पढ़ा लिखा सके, ओकर पैर में खड़े कर सके। ये मोर शुरुआत रही। दीदी, जो अभी तक आपकी इतनी परेशानियाँ इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए जो आप अब तक इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचे हो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सफ़र में महिला समूह का गठन आपने कैसे किया? ये बहुत मुश्किल काम है, खबर कि घर से बाहर निकालना ये आदिकाल से हर एक मामन के ही है कि माला बेटी ला या बहू ला ऐसे समझते तो घर तक सीमित रहा है, घर से बाहर मत निकले। अब वो समय 25 साल के पहले तो इतना स्थिति खराब रहा है कि कोई घर से बाहर निकले ये खिड़की से झांक के देख सकन कि जा कोई आ है, कोई बुलात है, जा तो दादल बुलावे या बाबल बुला के लावे, यानी कि यह पर्दा प्रथा, यानी कि बेटी मल्ला यहाँ तक बहू मल्ला यहाँ तक ढक के सिर ढक के रहो, घर से बाहर मत निकलो, लड़का मन के बैठा कि ये है। तो वो समय में जब मैं ये काम शुरू करूँ तो मोला लगी कि जब भूख प्यास मरत हन, बच्चा भूखे है, इतना स्थिति खराब है, कोई साथ नहीं दिए थे, और माँ ही माँ के गरीबी ले समझ सकते, माँ ही वो दर्द ले समझ सकते, ककरो बच्चा दर्द पीड़ा यानी कि भूखे है प्यासे है। तो मैं मोला लगी कि कम से कम जैसे एक लकड़ी ला आसानी से तोड़े जा सकते, समाज में एक महिला के कोई कदर नहीं है, एक जन कुछ भी करना चाहिए कर नहीं सके, कहीं ना कहीं उकर साथ में जुड़ी तभी कुछ हो सकते। तो मोल लगी इसके मान लो एक लकड़ी लग हर कोई तोड़ दी लेकिन 15-20 लकड़ी लग गट्ठा बांध दे जाए कोई तोड़ नहीं सके। तो मैं 11 महिला मल्ला 2 रुपया पैसा से शुरू करूँ, ये नहीं सोच रही हूँ कि पद्मश्री जमुना लाल या KBC में जा सकता हूँ, मोर एक सोच रही इसके एक माला चाह रही लेकिन 10 माला चाह नहीं है। 11 महिला हम 2-2 रुपया जमा करें और 2 मुठ्ठा चावल, तो 2 रुपया पैसा हफ्ता में जमा करन तो हमला महीना में 10 रुपया जमा हो जाए और 10-11 महीने मन 110 रुपये जमा हो जाए, तो कम से कम हम कोई भी महिला बेटी मन के मदद कर सकथन, कोई माँ के मदद कर सकथन, कोई बच्चा के मदद कर सकथन। जिगर यहाँ भूखे हैं तो एक दो मुठा चावल इकट्ठा करन तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो चावल इकट्ठा दे देने, यानी कि महीना में 3 किलो चावल हमारे इकट्ठा हो जाए। तो बस यही सोच रहे हैं कि हम ना एक दूसरा के मदद करेंगे जी। एक माँ नहीं करे लेकिन हम जिकर घर में जो भूखे हैं ओला खिलेंगे, जो जो बच्चा पढ़ना चाहते वो बच्चा ला पढ़ेंगे और जो बीमार है बच्चा ओकर इलाज करेंगे 10 माँ बन के जी। ये सोच के शुरू करें, देखते देखते फिर राजनांदगांव जिला में यहाँ विरोध बहुत ज़्यादा हुई से, गाँव से भी विरोध हुई, घर से भी पति भी 15 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ी, मोला दरवाज़ा बंद कर दे, एक गिलास पानी भी नसीब नहीं हुए, गीला कपड़ा पहन के ही मोर बाहर में पड़े रहा, लेकिन दया नहीं लगे, कबर की अज्ञानता इसे पति में, ये समाज के जो अत्याचार में जो है कि एक दूसरा मान लो कुछ करत है तो पति ला दबाव बनाना, गांव वाले मन दबाव बनाते, तो मैं पति भी शामिल रही से, परिवार भी शामिल रही से, वो मतलब भी अच्छे नहीं लगे कि मोर घर की पत्नी घर से बाहर जाते या मोर घर के बहू बाहर जाते, भूख मरत है वो कोई नहीं देखे, लेकिन जब बाहर निकले महिला तो पैर पकड़ के खींचने वाला ही पूरा समाज के ही कुछ कुछ ऐसे इंसान होते जेमन पैर पकड़ के खींचते। तो ये मोर चीज़ भर में अपन लागू नहीं करो, सबला कर्म करते रहो और फल की आशा मत देखो, और जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है तो सुनना ही पड़ेगी, बिना सुने बिना गाली खाए बिना गाली गलोच सब चीज़ सहन पड़ी, जब ही संघर्ष होई तभी मंजिल मिली, बिना संघर्ष से कोई ला मंजिल नहीं मिलने वाला है। तो मैं सोच ले रही हूँ, ठान ले रही हूँ, अपन एक जुनून रीस मोर पास, गरीबी के गरीब, अज्ञानता, समाज के अत्याचार,
एक बेटी है तो बेटी ऐसे है वैसे, कई प्रकार के बोलना, ये सब लम्बे हथियार बना लो, तलवार बना लो, और वो ही तलवार लेके चले लगे हो। जब आदमी स्वयं कुछ करो ना, तो पीछे से भी कई जन सपोर्ट करने वाला हो जाते। तो गांव में 2 दिन 4 दिन यहाँ बैठक करे, गांव में पानी बंद कर दो, खाना पीना इमला गरवा गैया बकरी चरवाना बंद करा दो, दुकान में सामान मत दो, कोई बात मत करो, समाज छोड़ दो, बहुत अत्याचार करीस। लेकिन वो तरफ हमारा ध्यान नहीं गई, हम अल्लाह रही से कि हम लोग कुछ करना है, एक लक्ष्य के प्राप्ति करना रही से। गांव में अज्ञानता है, गांव के साफ सफाई, गांव में सोखता गड्ढा बनाना, वृक्षारोपण करना, बहुत सारा काम हमन महिला मन करें, रक्तदान करना, बाल भोज करना, माचिस के तिल्ली में कुपोषण दूर करे बर छोटे छोटे बच्चे मन ला हमन स्कूल में बाल भोज शुरू करें, ऐसे बहुत सारा है जे काम ला करते गेन तो लगी गांव वाले तो बहुत अच्छा काम करत है। तो उमन थोड़ा से 15 अगस्त के दिन झंडा फहराए के मौका मिलीस, पति भी लगीस कि नहीं कुछ तो करत है मन, तभी मन पूरा गांव वाले मन ये करत है। तो पहली संघर्ष करें तब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। आज राजनांदगांव में 14,000 से ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूह है और 2 लाख से ज़्यादा मोर महिला समूह सदस्य है और 40 करोड़ बचत राशि है आज के समय में, जिनमें हमारे 5 ठन सूत्र है। सबसे पहली सूत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्त समाज। ये 5 मुद्दे में हमन काम। दीदी अभी तक तो ठीक है, महिला संगठन की बात हो गई कि आपने जीवन में इतने सारे संघर्ष और बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए महिला संगठन समूह आपने बनाया। दीदी अब आती है बात कि हम पद्मश्री, कि जो आपको लोग जानते हैं कि पद्मश्री फुलवासन बाई, तो दीदी ये पद्मश्री का सफ़र कैसा रहा आपका? ये तो एक सपना ही है रही से, और ये सपना पूरा करे बर एक मैं ही नहीं हूँ और साथ में वो 2 लाख से भी ज़्यादा महिला है और छत्तीसगढ़ के हर एक महिला जो घर से बाहर निकल के अपन आर्थिक सामाजिक स्थिति ला सुधार करे है, वो घर में समाज में कई प्रकार के अत्याचार ला सह के जो महिला घर से बाहर निकल के कुछ अलग हट के करे है, तो वो पद्मश्री सम्मान है। तो एक बार मैं पूरा छत्तीसगढ़ के बहनी ला सम्मान के हकदार मानता हूँ, कबर के सम्मान हम सब के जीवन बाहर निकले हैं, और ये सम्मान लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है और निभाना बहुत बड़ी बात होते। यहाँ राजनांदगांव जिला में 2 लाख महिला मन संकल्प लीन के हम सम्मान के और सम्मान करेंगे, तो नशा मुक्ति पर काम करेंगे और गांव-गांव में एकरे कारण महिला फौज बने गए है। 2 से 3 घंटा महिला मन लकड़ी लेके सिटी बजा घूमते और गांव-गांव में जो शराब बना थे या पी के हुल्लड़बाजी करा थे या जुआ ताश या लड़की मन के साथ कोई छेड़खानी, तो कर पूरा देख रेख महिला मन करते, एक रक्षक कवच बन चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है, पद्मश्री सम्मान ही भारत सरकार के सम्मान है और मिलना ही हमन अपन आप लगा गर्व महसूस। दीदी पद्मश्री के बाद अभी हाल ही फिलहाल में आपने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे भी आप पहुँचे, जो कि काफ़ी इंस्पायर करता है ये सुन के कि एक गांव की एक ऐसी महिला जिसने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना किया, जब वो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे पहुँचती है तो हम सब एक्साइटेड हैं कि जाने कि क्या हुआ था और कैसा रहा ये सफ़र आपका। ये एक मुरवर बहुत बड़े सपना रही से और शायद कभी भी नहीं भूल सकूँ, और शायद छत्तीसगढ़ के हर एक भाई, हर एक महिला और हर एक बुजुर्ग के आशीर्वाद रही से मोर साथ। मैं तो कभी सोचे भी नहीं रही हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ में हार्ड सीट में बैठ सकती हूँ, कबर की वहाँ तो कई पढ़े लिखे मन भी वहाँ फैल हो सकते, और मोर जैसे बिना पढ़े लिखे महिला वहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी बात है। मैं तो मैं छत्तीसगढ़ के हर एक भाई बहनी मन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जे मन के ताकत से यहाँ तक पहुँचे, सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश कर्म लगे, सबके मेहनत और सबके आशीर्वाद लगे तो वहाँ तक गए हों, और वहाँ बैठे के अनुभव है जो आज भी मोला अपन आप में बहुत ज़्यादा खुशी आते कि ऐसे लगे कि हम अमिताभ बच्चन कन बैठना ही बहुत बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन जी एक सीधा साधा सवाल जवाब करीस और ओला भी इतना खुशी हुई कि कम पढ़े लिखे महिला इतना बड़े 2-2 लाख महिला संगठन चलाते, और बहुत सारा सवाल जवाब बोली सुकर उत्तर भी बहुत अच्छा ढंग से दे हूँ, शायद सबके आशीर्वाद रही से, और 50 लाख तक जीत गयूँ। यहाँ मेन मोर उद्देश्य ही रही कि छत्तीसगढ़ की बेटी हो के नाते छत्तीसगढ़ के पूरा गहना जेवर पहन के जाऊँ, तो मैं बाकायदा पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेके वहाँ गयूँ,
कुछ भाषा छत्तीसगढ़ी में भी अपन बात ले रखे हों और पूरा बात जो बोले हों वो में बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ी। सब यही बोले कि फुलबासन जी आप तो इतना बड़े 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 पढ़े लिखे लोग आते हैं, बड़े बड़े सीईओ है, बीओ है, बड़े बड़े कंपनी है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे नहीं हो और इतना बड़ा 2-2 लाख महिलाओं का संगठन कैसे चला लेते हो। तो मैं कहता हूँ सर, एक ठन कुत्ता ला ना पत्थर उठा के मारो तो कुत्ता डर के भग जाही, एक ठन बिल्ली ने भी एक पत्थर उठा के मारो ना बिल्ली घलो डर के भग जाही, लेकिन एक मधुमक्खी की छाता में आप पत्थर उठा के मारो तो आपके का हाल हो। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ी सर, और सही बात है एकता में बहुत बड़े ताकत है, एकता के ही कारण तो वहाँ तक पहुँचे हैं, संगठन के कारण ही, कर्म के कारण वहाँ तक पहुँचे हैं और 50 लाख भी जीते हैं वहाँ से। और एक बार नहीं अमिताभ बच्चन जी बोली इसके कभी भी मदद लगे, साथ में मोर साथ में जो बैठी रही साठ सीट में रेणुका साहने दीदी भी रही से और दोनों की ही रही से कि हम 2 लाख 1 महिला जुड़ गए हैं, अब आप कभी भी आप हमारे से बात कर सकते हो, कभी भी मिल सकते हो आप के हरदम हम आपके सहयोग करवो। तो ये मोला बहुत सुन के अच्छा लगी इसके, उतना बड़े सदी के महानायक के साथ साथ में इतना बड़े पूरा पूरा भारत के हर राज्य के पूरा भाई बहनी मन के फोन आने लग गए। और मैं 2 महीने तक तो 6 बजे से भी खाना भी बनाओ तो खाना खाए के समय नहीं मिले, इतना भीड़ पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा राज्य नहीं, अलग अलग देश से भी फोन आने लगे, बड़े बड़े कंपनी चाहे टाटा बिरला वाले हो चाहे जयप्रदा हो चाहे बहुत पूरा पिक्चर के हीरो हीरोइन से लेके बड़े बड़े कंपनी अमेरिका दुबई यूरोप पाकिस्तान ऐसे बहुत देश के फोन आते गीसे वो आज भी आते और ओकर से मुझे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े है, कंपनी ओकर मन के कारण में शुरू कर रहा था उनकर साथ में लेके, ये बहुत बड़ी बात। दीदी मैं ये जानना चाहूँगी कि अब आगे की क्या मतलब सोच क्या है आपकी महिला उत्थान को देखते हुए, कि ऐसा क्या करें कि जिससे और महिलाओं की सोच विकसित हो, समाज में और आगे आने का वो सोच सके, ऐसी बच्चियां जो अभी भी इस पुरुष प्रधान देश में बाहर निकलने से पहले बहुत सारे विचार उनके मन में उत्पन्न होते हैं कि नहीं पता हम कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, हमारी शिक्षा अच्छी हो पाएगी कि नहीं, या अगर हमारे निकलने के बाद हमारे विरोध में कौन कौन खड़ा होगा, मतलब जो एक डर होता है एक महिला के अंदर उसके परिवार का सबसे बड़ा डर, बाद में आता है समाज का। तो दीदी से हम ये जानना चाहेंगे कि दीदी की सोच क्या है कि महिला उत्थान के लिए और आगे हमको क्या करना है। बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हो, ये में तो सबसे पहली बात हर एक बेटी ला गर्व होना चाहिए कि मैं बेटी हूँ, किस्मत वाले जो एक बेटी जन्म लेते हैं, खबर की बेटा तो एक कुल तार थे लेकिन बेटा है तो एक कुल तार थे, बेटी 2 कुल तार थे, पूरा दुनिया बसाने वाले माँ हैं, माँ से बड़े दुनिया में कोई नहीं है, माँ की जो सबसे बड़े जो दुख है वो है उसका डर, वो अपन डर भगा दी तो दुनिया के सबसे बड़े महान माँ बन सकते हैं। समाज के डर, परिवार के डर, अज्ञानता का डर, बहुत सारा जो सोच समाज में है वो बना के ही अपन आप में डर पैदा कर लेते हैं, वो डर ला ही तरवाल बनाए हथियार बनाए और निकल जाए। जब तक ओकर कोई दुश्मन, हम बोलते हैं कि हमारे बहुत सारा दुश्मन है लेकिन कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर में बैठे वो हमारे डर ही है। दूसरा चीज़ है कि महिला मन बहुत कुछ कर सकते हैं, महिला मन के जो मेन उद्देश्य है जो ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ आने वाले समय में, और वो है कि अभी हमने एक छोटे से पौधान माँ बम्लेश्वरी जनहित करी समिति में एक फेडरेशन है जो 2 लाख से ज़्यादा महिला जुड़े हैं, लेकिन आज भी मुझे लगते कि ये छोटे से अभी पौधा ही हैं, एक बहुत बड़े वृक्ष बनाना चाहता हूँ और वृक्ष में हर एक गरीब महिला वहाँ आ सके। तो अभी लगभग वो मैं 2 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हूँ, जो भी सम्मान राशि मिलते मुला बोला पूरा मैं समाज में समर्पित कर देता हूँ और महिला आश्रय गृह बनाता हूँ, वहाँ हर एक महिला मल्ला आर्थिक स्थिति से मजबूत करना चाहता हूँ। अब वो एक महिला मान लो आर्थिक स्थिति मजबूत हो थे तो वो अपन पति ला भी मजबूत कर सकते हैं, अपन परिवार ला मजबूत कर सकते हैं। दूसरा चीज़ समाज में जो अत्याचार है वो अत्याचार के नाम है नशा शराब जुआ, तो ओला दूर करे बर और बेटी मन के साथ अत्याचार होते बलात्कार होते ओला दूर करे बर वहाँ आत्म सुरक्षा के ट्रेनिंग दे थन कराटे सिखाया जाइए। और तीसरा चीज़ है कि जो आत्महत्या करत है महिला मन है तो आत्महत्या मत करे, कोई पति से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई समाज से, तो वहाँ हर कोई वहाँ आके रुक सकते, जब तक अगर मन संतुष्ट नहीं रही तब तक वो वहाँ रहा है
काम करे, खाए पिए रहे मैके बन के, और बाद वो लगते कि नहीं है मोर परिवार के पास जाना है तो जा सकते बिल्कुल। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के जो भी महिला है वो मल्ला में हाँ आश्रय केंद्र बनात हूँ महिला मन भर, और वो मन हाँ ट्रेनिंग भी ले ही, वहाँ ट्रेनिंग लेके खुद अपन पैर में एक शिक्षित हो जाए, एक आत्मनिर्भर बन जाए और खुद रोजगार में स्थापित हो जाए। वो अपन खुद के पति के भरोसा, बेटा के भरोसा ना रहे, खुद अपन अपन जिंदगी जी सके। तो ये मोर सोच है कि आश्रय बनाना है। बहुत सारा काम है अभी तो छोटे ही हैं जी, अब पूरे छत्तीसगढ़ ला ले के चलना चाहतन, छत्तीसगढ़ के साथ में अलग अलग राज्य में भी घूमेंगे और चालू तो हो गए जी, लेकिन अभी ये काम सोचे हैं और कई हजारों महिला जमन साथ देते। दीदी, और मैं लास्ट बस ये बोलना चाहूँगी कि आप समाज में क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे महिलाओं को, बच्चियों को? महिला मल्ला बेटी मल्ला ही कहना चाहूँ कि ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे जो भी मिले ओकर से ज्ञान प्राप्त करो। बिल्कुल, खबर कि छोटे से भी, बड़े से भी, एक भिखारी से भी और एक ब्राह्मण से भी, यानी कि जो भी समाज में है सबसे ज्ञान प्राप्त करो। खबर कि पढ़ना स्कूल ही नहीं है, एक छोटे से जगह में भी जाके हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा चीज़ है कि कभी भी अपन आप ला ये मत समझो कि हम एक महिला अने एक बेटी हम कुछ नहीं कर सकन। सोच ला बदलो, अपन सोच ला बदलो तभी तुम आगे अपन आपला आगे बदल सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। तीसरा चीज़ है कि समय ला भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो। हमला लगती है कि एक बेटी है हम घर संभालेंगे या बाहर संभालेंगे, हम काम नहीं कर सकन। समय के ऊपर ध्यान दो तो समय आपके ऊपर ध्यान दी। समय में आपके घर के काम हो सकते और घर से बाहर में भी समाज सेवा कर सकथन। समाज सेवा के साथ साथ में हमला अपन आर्थिक स्थिति भी मजबूत करना है, जेकर से हम काकरो भरोसा ना रहन, ये सोच है। और एकता में बहुत बड़ी ताकत है, हम चाहन तो बहुत कुछ कर सकथन। बस आप में जो ताकत ला आप मन खुद आजमा सकते हो, आप ला कोई आगे नहीं बढ़ा सके। स्वयं में वो ताकत है और उठाओ और लीडर बन के पूरा गाँव समाज के सेवा कर। सुनिए सर शिखर चैनल ला ज़्यादा से ज़्यादा बहनी मन हा भाई मन हा शेयर करो, कवर की ये चैनल है पूरा देश में मोरे जैसे बहनी मन है जेमन गांव से उठ के एक अलग स्थान बना है, वो बहनी मन ला दिखाते। आप सब ला में गाढ़ा गाढ़ा निवेदन करत हूँ कि आप मन एक चैनल में आओ देखो और अपन आप में गर्व महसूस समझो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।